आगे हम देखते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। देखो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल के स्पीड को बढ़ाने के लिए। अब ये स्पीड को कैसे बढ़ाएगा, देखिए देखिए यहाँ पे क्या होता है। जैसे मान लो हम लोग को अगर लॉन्ग जंप करना है तो क्या करेंगे, दूर से रनिंग करते हुए आएंगे और उसके कारण और क्या करेंगे, लॉन्ग जंप करेंगे। तो दूर से रनिंग क्यों करते हैं, दूर से रनिंग इसलिए करते हैं कि उसके काइनेटिक एनर्जी के कारण लॉन्ग जंप में आगे जंप करने में क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। अगर वहीं खड़े खड़े कूद जाए तो क्या होगा, हम लोग पास तक जाएंगे। यानी हमको अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है यानी आगे प्रोजेक्शन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा और उसके कारण हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और उसके कारण हम लोग क्या होगा, लॉन्ग जंप में आगे तक जंप करेंगे। सेम यहां पर क्या होता है कि अगर चार्ज पार्टिकल का अपने को स्पीड बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज पार्टिकल को अगर अपने को काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाने का दो तरीका है, एक तो हम लोग क्या करें, चार्ज पार्टिकल को वेरी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से उसको क्या करते जाए, उसका वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते ले आए, कंटिन्यूअस उसको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से पुश करके लाते जाएं तो स्पीड बढ़ते जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि हमको लेबोरेटरी का साइज बहुत बड़ा करना पड़ेगा, यानी 100 मीटर, 200 मीटर, 400, 500 मीटर लॉन्ग का क्या होगा, एक लेबोरेटरी रहेगा जिसमें चार्ज पार्टिकल का हर एक स्टेप में वेलोसिटी बढ़ेगा और उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो वो भी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या करता है, चार्ज पार्टिकल के स्पीड को बढ़ाता है। तो वो हो गया तुम्हारा लीनियर एक्सेलरेटर। बट छोटे साइज में करने के लिए क्या करेंगे कि उसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग सर्कुलर पाथ में गोल गोल घुमाएंगे तो हर एक सर्कल में उसका क्या क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो ये जो सर्कुलर पाथ में घुमा घुमा के मोशन करा के चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ाते हैं, दिस टेक्नोलॉजी नोन एज साइक्लोट्रॉन। अब ये साइक्लोट्रॉन कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किस पे, लॉरेंज, लॉरेंज प्रिंसिपल पे। लॉरेंज प्रिंसिपल में क्या होता है कि अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो चार्ज पार्टिकल कौन से ए, ए, किस पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है किसका, साइक्लोट्रॉन का। इसमें ये डी वन और डी टू क्या होता है, दो हॉलो सिलेंडर रहता है, ऐसे शेप का रहेगा हॉलो सिलेंडर जो अंदर से पूरा खाली रहेगा। इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे किससे, ऑसिलेटर से, और ये डी शेप का रहता है इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया, डी वन और डी टू। इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। अब ये ऑसिलेटर का यहाँ पर क्या काम है, ऑसिलेटर कंटिन्यूअस पोलैरिटी चेंज करेगा। यानी सपोज पहले अगर डी वन प्लस है डी टू माइनस है तो सेकेंड साइकिल में क्या हो जाएगा, डी वन माइनस हो जाएगा डी टू प्लस हो जाएगा, फिर थर्ड में डी वन प्लस हो जाएगा डी टू माइनस। तो ऑसिलेटर पोलैरिटी को चेंज करता है। तो देखो क्या होगा कि अभी ये मैग्नेटिक यहां पर सपोज चार्ज पार्टिकल क्यू है और ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही ऑसिलेटर को ऑन किए, सपोज डी वन अभी किस पे है, निगेटिव पे, और ये पॉजिटिव चार्ज है, जब तक ये चार्ज ऑसिलेटर ऑन नहीं करेंगे चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल मोशन में नहीं आएगा। तो जब चार्ज पार्टिकल मोशन में नहीं आता है तो उस पे लॉरेंज फोर्स नहीं लगता, ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे ही ऑसिलेटर ऑन किए, अब ये चार्ज पार्टिकल सपोज ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो चार्ज पार्टिकल इधर अट्रैक्ट होगा यानी अब उसमें मोशन आएगा, उसका स्पीड वी हो गया। तो जैसे ही इसमें वो मोशन में आया, अब उस पे लॉरेंज फोर्स लगेगा और उस लॉरेंज फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल कौन सा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ये हुआ उसका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन करके अब जैसे ही डी वन से बाहर निकला फिर पोलैरिटी चेंज हो गया, डी टू हो गया माइनस डी वन हो गया प्लस। अब ये इसका स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि इस पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, फिर ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जैसे ही डी टू को लीव किया फिर इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। इस टाइप से हर एक हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज हो रहा है
और चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करते जा रहा है और इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ते जाएगा, स्पीड बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जब इसका स्पीड या काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, जितना अपने को चाहिए, तो यहाँ रहता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगा के इस चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल लेंगे, ओके, और जो भी टारगेट है उस पर सेंड करेंगे। तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज होता है, एक्सरे मशीन वगैरह में, जहां पे अपने को चार्ज पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज करना है, वहां पे क्या करेंगे, बड़े बड़े साइक्लोट्रॉन होते हैं, साइक्लोट्रॉन में उसका स्पीड को बढ़ाएंगे। तो ये समझ में आया। अब देखिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। सपोज ये देयर आर टू हॉलो सिलेंडर D1 एंड D2 कनेक्टेड टू द ऑसिलेटर, ऑसिलेटर से कनेक्टेड है, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड, ओके, यहां पर चार्ज Q है। जैसे ही ऑसिलेटर को ऑन किए, चार्ज Q मोशन में आया और अब वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, और हर एक पोर्शन में, हर एक हाफ साइकिल में पोलारिटी चेंज होगा और उसके कारण क्या काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ते जाएगा और उसको डिफ्लेक्शन प्लेट लगा के बाहर के तरफ प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर देखिए लॉरेंस फोर्स क्या लग रहा है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्यू वी बी, ओके, और ये किसके इक्वल हो जा रहा है, यहां पे सर्कुलर मोशन के कारण कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, वो हो गया mv² / r। तो mv² / r सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा है इसको लॉरेंस फोर्स से। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पास क्या हो गया, mv / qb। देखिए अब ये क्या बता रहा है कि r प्रोपोर्शनल है v पे, v को हम लोग कांस्टेंट कर दिए हैं, यानी हर एक स्पीड में जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, हर एक सर्कल में सर्कुलर पाथ का रेडियस भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये चीज हुआ। दूसरा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, 2πr/v, 2πr/v, वी का वैल्यू यहाँ पे 2π/v, आर का वैल्यू क्या है mv/qb, वी और वी कैंसिल हो गया, टी का वैल्यू हो गया 2πm/qb, यानी ये हो गया कांस्टेंट, ओके, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा। यानी अब ये चार्ज पार्टिकल चाहे स्मॉलर रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव करे या लार्जर रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव करे, टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कैसे पॉसिबल है कि जब वो स्मॉलर में मूव कर रहा था तो उसका स्पीड कम था, जैसे जैसे वो लार्जर में मूव करते गया उसका स्पीड क्या होते गया, बढ़ते गया, यानी जैसे जैसे वो लार्जर रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। मैक्सिमम स्पीड कहां पे रहेगा इसका, मैक्सिमम स्पीड रहेगा अलोंग द बाउंड्री ऑफ डी, डी के बाउंड्री पे मैक्सिमम स्पीड रहेगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, के मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, ओके, ये क्या हुआ, वी मैक्सिमम है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वी का वैल्यू क्या है, वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग आगे निकाल लेते हैं, जो फॉर्मूला था अपना, ये फॉर्मूला था ना mv² r/qvb, तो यहां से क्या हो जाएगा, वी से वी कैंसिल हो गया, तो वी का वैल्यू हो गया qbr/m, तो यहां पुट कर दो, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो गया 1/2m q²b²r²/m², एक m कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी q²b²r²/2m, ठीक है। तो ये हुआ अब साइक्लोट्रॉन का इसमें ड्रॉबैक क्या है, सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन, क्या रीजन है पूछता है, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, तो इलेक्ट्रॉन का मास वेरी लेस होता है, एंड व्हेन वी टर्न ऑन द एक्सेलरेटर, जैसे एक्सेलरेटर ऑन होगा, ड्यू टू स्मॉल मास इलेक्ट्रॉन परफॉर्म रेंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन में आ जाएगा
उसके कारण वो सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा और साथ ही साइक्लोट्रॉन के बाउंड्री से भी स्ट्राइक करेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसमें कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा साइक्लोट्रॉन में चार्ज के स्पीड को या एनर्जी को नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है m इक्वल टू m नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m नॉट रेस्ट मास है और m है मूविंग मास। ये फॉर्मूला ये बताता है कि जैसे v इक्वल टू c हो गया तो m का वैल्यू हो गया इंफिनिटी, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो, m नॉट अपॉन जीरो इंफिनिटी। इसका मतलब जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा उसका मास भी बढ़ते जाएगा, और जब मास बढ़ते जाएगा तो धीरे धीरे जो फॉर्मूला था ना टाइम पीरियड वाला t इक्वल टू क्यू बी अपॉन टू पाई एम, तो इस फॉर्मूला से एज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेज मास इंक्रीजेज, एंड व्हेन मास इंक्रीजेज टाइम पीरियड डिक्रीजेज। टाइम पीरियड डिक्रीज होगा इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो प्रॉपर मोशन नहीं करेगा, क्योंकि क्या होगा जो ये फ्रीक्वेंसी किसका टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है, बट ऑसिलेटर का टाइम पीरियड वही है। मान लो ऑसिलेटर का टाइम पीरियड है 2 सेकेंड और डिक्रीज होते होते चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड आ गया 1 सेकेंड, यानी जब तक ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा है उसके बीच में ही ये मोशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये क्रॉस करेगा, जिससे साइक्लोट्रॉन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो ये दो मेन ड्रॉबैक है। यूज कहाँ है इसका? मेडिकल में इसका यूज है चार्ज पार्टिकल के एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में आगे इसका यूज है। ठीक है।